दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की दुबई में हुई मौत का कारण जानने में जुटी स्थानीय पुलिस एक हाई प्रोफाइल केस की हर एंगल से जांच कर रही है। सोमवार को पुलिस ने इस संबंध में श्रीदेवी परिजनों और होटल स्टाफ से भी पूछताछ की। श्रीदेवी की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस उन कड़ियों को एक बार फिर सिलसिलेवार रिक्रिएट कर रही है, जिससे वे मामले की तह तक पहुंच सके कि आखिर कैसे और किन हालात में एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में उनका शव मिला। इस सिलसिले में पुलिस ने श्रीदेवी के पति बोनी कपूर समेत उन रिलेटिव से भी पूछताछ की है जो इस टूर पर श्रीदेवी के साथ यहाँ आए हुए थे। पुलिस से जुड़े एक सूत्र ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ ऐसे सवाल थे जिसके बाद हमने सोचा कि हमें इस केस पर दोबारा जांच करनी चाहिए। जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अल कुसेसी मोर्चरी में ही रखा जाएगा। जिस कमरे में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उसे पुलिस पहले ही सील कर चुकी है। एक सूत्र के मुताबिक सोमवार को पुलिस ने बोनी कपूर से इस घटना को सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ की। इसके अलावा मोहित मारवा के परिवार और होटल स्टाफ से भी पूछताछ की गई। दुबई के कुछ सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP श्रीदेवी के शव का एक बार और पोस्टमार्टम के लिए कह सकती है। यह भी जानकारी मिली है कि DPP की बिना अनुमति के बोनी कपूर को दुबई छोड़ने की इजाजत नहीं है। बहरहाल पुलिस श्रीदेवी के फोन कॉल्स की डिटेल भी खंगाल रही है। इसके अलावा भारत में श्रीदेवी के मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी तलाशा जा रहा है। प्रोसिक्यूटर कार्यालय श्रीदेवी से जुड़ी यह जानकारी भी चाहता है कि श्रीदेवी अब तक किस किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरी है और उन्होंने कौन कौन सी सर्जरी कराई है। प्रोसिक्यूशन इस एंगल से भी जांच कर रहा है कि क्या उनकी सर्जरी को भी इस आकस्मिक मौत का कारण माना जा सकता है। दुबई के नियमों के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे पहले अरबी भाषा में जारी किया जाता है, इसके बाद ही अंग्रेजी अनुवाद की सत्यापित प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है। मुंबई में स्थित कपूर ऑफिस से सोमवार देर शाम को बताया गया कि एक्ट्रेस श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मंगलवार को मुंबई लाया जा सकता है। रिलायंस ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी का 13 सीट वाला एक विशेष विमान सोमवार से ही दुबई एयरपोर्ट पर श्रीदेवी का शव भारत लाने के लिए तैयार खड़ा है। यह विमान सोमवार शाम 4:30 बजे ही उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन प्रोसिक्यूटर ऑफिस से श्रीदेवी के शव को भारत लाने की मंजूरी न मिलने के कारण ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को श्रीदेवी के शव के पोस्टमार्टम के बाद दुबई पुलिस ने यह बयान जारी किया था कि श्रीदेवी की मौत अचेत होकर बाथटब में गिरने के कारण हुई है, जिसके बाद दुबई पुलिस ने यह केस तय नियमों के मुताबिक दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया, जो वहाँ के नियमों के मुताबिक अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।